हाल ही में जो है आईफोन ने अपना आईफोन 12 जो है लॉन्च किया था और उसका जो बॉक्स है वो छोटा कर दिया था। वो छोटा बॉक्स इसलिए किया था क्योंकि उन्होंने उसमें से जो है चार्जर जो है रिमूव कर लिया था। अगर आपको उस आईफोन 12 लेना है तो आपको उसके साथ में चार्जर नहीं मिलेगा, आपको अलग से एक चार्जर परचेस करना पड़ेगा। तो गाइज इस रेस में जो है और कंपनियां भी जो है चल चुकी हैं, आई मीन आगे बढ़ चुकी हैं, क्योंकि कोई छोटी मोटी कंपनी होती और वो ये काम करती तो उसकी रेस में कोई भी शामिल नहीं होता। लेकिन ये स्टार्ट किया है आईफोन ने, तो बाकी कंपनियां तो जाहिर सी बात है उसके पीछे ही जाएंगी। तो गाइज आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन सी कंपनियां जो है इस रेस में जाने वाली हैं, आई मीन कौन कौन सी कंपनियां अपने जो फोन है वो जो नेक्स्ट लॉन्चिंग करने वाली है उनमें चार्जर देंगी या नहीं देंगी और वो कौन कौन सी कंपनियां हैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। So hey guys, this is Asif and you are watching Asuki Tech. Don't forget to like and subscribe this channel because यहाँ पर आपको fresh content मिलता है। सो गाइस आईफोन के बाद में सैमसंग ने जो है अनाउंसमेंट कर दिया था कि वो अपने जो फ्लैगशिप फ़ोन है, जो बड़े फ़ोन हैं जो वो अपने जो लॉन्च करेंगे तो उसमें जो है वो चार्जर नहीं देंगे। जैसे आईफोन ने चार्जर नहीं दिया था वैसे ही वो भी बॉक्स को छोटा करेंगे और इससे एनवायरमेंट को फ़ायदा हो रहा है ऐसा कुछ उन्होंने कहा है, और जिसकी वजह से वो चार्जर उसमें नहीं दे रहे हैं और बॉक्स को छोटा कर रहे हैं। तो गाइस उसी के पीछे एक कंपनी और जा चुकी है, आईफोन के पीछे सैमसंग है और सैमसंग के पीछे अब एक और कंपनी आ चुकी है जिसका नाम शाओमी है। शाओमी के आप काफी मोबाइल आपने देखे होंगे। तो गाइस जो शाओमी की जो नेक्स्ट सीरीज आने वाली है, आई मीन शाओमी की जो 11 सीरीज आने वाली है, नोट 11 और रेडमी 11 जो सीरीज आने वाली है, उस सीरीज में आपको जो है चार्जर नहीं मिलेगा, बॉक्स के अंदर चार्जर नहीं मिलेगा। आपको उन फ़ोन को चार्ज करने के लिए अलग से चार्जर बाय करना पड़ेगा या फिर आपका कोई पहले से चार्जर तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और गाइज मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि आपको जो ये कंपनियों ने जो कंपनियों ने ये रेस शुरू की है बिना चार्जर वाली, ये आपको सही लगती है या गलत लगती है, आपका ओपिनियन क्या है, वो सब कुछ कमेंट बॉक्स में बताएं। और गाइज मैं इससे रिलेटेड एक पोल डाल रहा हूँ, आपको कम्युनिटी टैब में पोल मिल जाएगा, आपको पोल में जाकर वोट भी करना है। सो गाइज अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है या आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हैं। गाइज अगर आपको जानना है कि जनवरी 2021 में न्यू ईयर जो आने वाला है 2021 में कौन कौन से स्मार्टफोन जनवरी के मंथ में लॉन्च होने वाले हैं, तो मैंने टॉप 5 स्मार्टफोन के बारे में बताया, आप यहाँ पर क्लिक करके ये वीडियो वॉच कर सकते हैं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।